हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो आपका क्लास 11 का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसके जो जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपको डेफिनेटली करके जाना। और अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को करके नहीं जाओगे और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स करोगे, वो सारे आपके एकदम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी कर सकें, तो मैं उसके लिए आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि बेसिकली आपको कौन कौन से करने हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए और फटाफट से जो है आप निशान लगाना स्टार्ट कर दें कि आखिरकार एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि बेसिकली हर साल कहीं ना कहीं ले देकर पूछे ही जा रहे हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3.1 की, तो वो आपके एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया, तो उस पर आप क्रॉस मार्किंग लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका डेफिनेटली मैं 100% लिख के दे रही हूँ। इतना ईजी क्वेश्चन तो कभी नहीं आता, कभी नहीं आया ये ज़िंदगी में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब आने वाला कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में जो है हमारा हेल्प कर सके। तो चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बेसिकली ये जो थर्ड चैप्टर के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हैं वो इतने ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे आते जा रहे हैं 3.3, 3.4, ये सारे बेकार क्वेश्चन हैं और आपके ये एग्ज़ाम्स में कभी नहीं आएंगे। तो इस पर प्लीज़ मैं कह रही हूँ कि फटाफट से क्रॉस का निशान लगा लो। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये जो आपका 3.8 वाला भी एग्जांपल है, वो कभी आपका नहीं आया और ना ही कभी ज़िंदगी में आएगा। जो 3.9 वाला एग्जांपल है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट का साइन ज़रूर लिख लेना, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सच कह रही हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। अदरवाइज़ इसके अलावा जो फालतू के क्वेश्चन बच्चे करने में लगे हुए हैं, वो एकदम बस एक हार्ड वर्क है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। चलिए अब फटाफट से आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, कि उनमें से कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज में आ गए हैं, तो ये जो आपका 3.4 तक का जितना भी क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की जाए 3.5 क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.6 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.7 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3.8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3.9 वाला ही उसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सारे क्वेश्चन है, ये एक साथ दिए गए हैं, बस ज़रूरत है इसको समझने की, परखने की। ये स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी कराई जा रही है कि बेसिकली किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो इजीली। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करो, तो आपको ये सारे क्वेश्चन थर्ड चैप्टर के ज़रूर करके जाने हैं। और अगर आप सच में चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ, तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखो। अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैं कंटिन्यू रखूँ भी कि नहीं रखूँ, क्योंकि आप लोग अपने व्यूज़ नहीं देते हो। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में घंटा दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप घंटा नहीं दबाओगे तो मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल नहीं जाएगी, फिर आप मेरे नए जो वीडियोज़ हैं उनको आप मिस कर दोगे, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।